Morning, welcome back to Coder Baba. My name is Balram, and today's in this video I'm going to create how to create one login form with advanced features like remember me next time. So guys, this is a simple login form, and in this login form here I'm attaching two checkbox, that is one for remember me next time and another for keep last ID and password. आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक एडवांस लॉगिन फॉर्म जहाँ पे आप रिमेंबर मी नेक्स्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट होता है पासवर्ड को सेव करने का ब्राउजर पे आप वो क्रिएट कर पाएंगे यहाँ पे. तो यही मैं बनाने वाला हूँ कि कैसे आप जब लॉगिन पेज बनाते हैं तो वहाँ पे आप एक चेकबॉक्स लगा देते हैं और उसमें एक जब आप इस चेकबॉक्स को चेक करके लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो यूजर नेम जो पासवर्ड होता है वो ब्राउजर पे सेव हो जाता है. तो ये फंक्शनलिटी आप कैसे करेंगे, और साथ ही साथ एक और फंक्शनलिटी मैं बताऊंगा इसमें कि जो लास्ट टाइम पे जो यूजर लॉगिन किया होगा उसका यूजर नेम और पासवर्ड आप यहाँ पे सेव कर सकेंगे. सपोज करो अगर कोई बंदा लॉगिन करता है और वो इस पे भी और उस पे दोनों पे भी चेक कर देता है तो इसका मतलब क्या होगा, लास्ट टाइम पे जब ये पेज ओपन होकर आएगा तो जो बंदा यहाँ पे लॉगिन होगा लास्ट टाइम पे उसका यूजर नेम पासवर्ड जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वो बंदा है जो लास्ट टाइम पे लॉगिन किया था उसका यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है. तो ये चीज आप कैसे कर सकेंगे, तो रिमेंबर मी पासवर्ड से क्या होता है कि जो यूजर का पासवर्ड होता है यूजर नेम पासवर्ड वो ब्राउजर पे सेव हो जाता है ताकि अगली बार जब यूजर आए तो इजीली वो लॉगिन कर सके. तो ये उन लोगों के लिए बेहतर होता है जो कि बार बार किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो बार बार अपना यूजर नेम पासवर्ड राइट करें, और या फिर उन लोगों के लिए भी ये सही होता है जो कि थोड़ा सा लेजी होते हैं, जो कि थोड़ा सा यूजर नेम पासवर्ड याद करने में थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम होती है, अक्सर भूल जाया करते हैं, तो ऐसे बंदों के लिए ये है. तो चलिए फंक्शनलिटी बनाते हैं. तो यहाँ पर मैं ASP.NET में बनाने वाला हूँ, तो ये सिंपल सा लॉगिन पेज है. तो आज इस वीडियो में बस मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप ये पासवर्ड को सेव कर सकेंगे. तो रिमेंबर मी नेक्स्ट टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो आप कैसे बना पाओगे, तो सबसे पहले चलिए हम इसको डिजाइन कर लेते हैं. तो गाइस दिस इज माय विजुअल स्टूडियो एंड राइट क्लिक ऑन फाइल एंड न्यू वेब प्रोजेक्ट एंड हियर सेलेक्ट विजुअल C# एंड हियर सेलेक्ट ASP.NET इनपुट वेबसाइट. ओके, and give the your project name. So I'm here rename this project like remember password and click on okay. Okay, now and here add one web page. So here I'm selecting web form and give the name like login. तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ एक टेबल ऐड करने वाला हूँ. तो सिंपली चलेंगे डिजाइन में और डिजाइन व्यू में चलेंगे आप टेबल, यहाँ पे जो देख रहे हैं टेबल पे हम आ जाते हैं और यहाँ पर आपको जो है सिक्स रो और टू कॉलम में एक टेबल क्रिएट करना है और इसे आपको कर देना है ओके. तो यहाँ पर ये टेबल बन के आ चुका है आप देख सकते हैं ओके. और अब हम चलेंगे यहाँ पे सोर्स पे आएंगे. तो सोर्स पे जब हम आएंगे तो यहाँ पर जो स्टाइल शीट देख रहे हैं इसकी जब कोई जरूरत नहीं है आप इसे हटा दो, और यहाँ से भी आप टेबल में जो स्टाइल लग के आ रहा है आप इसे भी हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है. तो अब हम इस टेबल को अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे. तो सिंपली जनरली मैं इनलाइन जो CSS होता है मैं वो यूज़ करता हूँ, स्टाइल ले लेते हैं. और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें पहले तो आप एक बॉर्डर दे दो, तो बॉर्डर दे देते हैं हम और बॉर्डर को रख देते हैं यहाँ पे हम 2 pixels. और उसके बाद
यहाँ पे यूज करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का कोड। तो चलेंगे फिर से डिजाइन व्यू पे आ जाए। तो बॉडी पे हम यहाँ पे एक इवेंट लगाएंगे, वो इवेंट का नाम होगा ऑन लोड। ओके, तो ऑन लोड पे यहाँ पर हम करेंगे एक फंक्शन को कॉल, उसका नाम होगा शो। तो मैं इसे करने वाला हूँ रन, तो मैंने इसे किया रन। और आप ब्राउजर में जब ये आएगा तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर जैसे ये जो है बंदा, ये ऑलरेडी ये पासवर्ड मेरे ब्राउजर पे सेव है, ये ब्राउजर पे सेव है, तो इस वजह से ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये जो लास्ट हमारा रिमेंबर लास्ट यूजर एंड पासवर्ड है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए अभी तो ये हो गया, अभी मैं लॉग इन करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोडर पासवर्ड मैंने दे दिया 1122, ये मेरा पासवर्ड हो गया। तो अब मैं क्या करना हूँ, रिमेंबर मी नेक्स्ट टाइम, तो मैंने इसे किया लॉग इन। बट यहाँ पर लॉग इन बटन से मैंने कोई भी कोड लिखा नहीं, तो लॉग इन बटन का जो कोड है मैं अभी वो लिखने वाला हूँ। तभी तो सेव होगा ना ब्राउजर पे जाके, अभी ये सेव नहीं होगा। अभी फिलहाल हम फैच कर सकते हैं कि क्या हमारा पासवर्ड है। तो सपोज अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोडर, तो कोडर का पासवर्ड कैसे फैच होगा, अभी ये भी नहीं हो पाएगा। तो पहले हम लॉग इन बटन का कोड लिखते हैं, तब वो कर पाएंगे हम। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने लॉग इन पेज पे आके। तो अब इस पर करना है आपको डबल क्लिक, मैंने इस पर किया डबल क्लिक। अब ये हमारा बटन का क्लिक इवेंट है लॉग इन पेज। तो यहाँ पर पहले तो मुझे कुकी आपको यहाँ पे देखना होगा कि जो भी कुकी आपने क्रिएट किया वो है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चेक बॉक्स वन डॉट क्या होता है यहाँ पे, चेक इवेंट। Thank you.
तो गाइस ये हमारा वेलकम पेज है, तो इस वेलकम पेज के हम चलेंगे लोड इवेंट पे। तो पेज के लोड इवेंट पे आपको एक लाइन का कोड लिखना है, वो इस तरह से रिस्पॉन्स और रिडायरेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखे सेंटर में टैग के अंदर वेलकम, वेलकम के बाद जो आपका सेशन जो आपने क्रिएट किया यूज़र नाम से, तो ये सेशन आपने कहाँ क्रिएट किया है, यहाँ पे क्रिएट किया है। ये आपने क्या किया, सेशन ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट बॉक्स वन की वैल्यू हम यहाँ पे फिट कर देंगे। तो अब आपका ये जो रिमेंबर पासवर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मैंने इसे सेव कर लिया। अब मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर मैंने इसे किया रन, हम आ गए। और यहाँ पर पहले हम एक यूज़र नेम लिखते हैं, यहाँ पर लिखा यूज़र नेम और पासवर्ड लिखते हैं 345, ये मेरा पासवर्ड। और ये फिर मैंने किया रिमेंबर मी नेक्स्ट टाइम और ये मैंने लॉगिन बटन पे किया क्लिक। तो जैसे मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया मैं चला गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम पेज पे आ चुका हूँ। ठीक है गाइस, तो वेलकम पेज पे मैं आ चुका हूँ। अब मैंने इसे क्लोज कर दिया। मैं फिर से इसी पेज को फिर से रन करने वाला हूँ। तो मैंने इसे फिर से कर दिया है रन। और इस बार अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस बार मैं यूजर नेम टाइप करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया यूजर नेम जो कि हमारा है। तो देखो गाइस, जैसे ही मैं इस यूजर नेम को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली पासवर्ड बॉक्स में जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसे किया सेलेक्ट और जैसे फोकस किया पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स पे, तो जैसे ही फोकस पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स पे आया तो आप देख सकते हैं 324 ये जो पासवर्ड है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक और यूजर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ, यहाँ पे दिया मैंने राज कुमार। इसका जो पासवर्ड होगा 9999। तो ये मैंने इसका पासवर्ड क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करने वाला हूँ यहाँ पे रिमेंबर मी। तो इसका पासवर्ड सेव हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं कर रहा हूँ की लास्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो लास्ट टाइम पे तो राजकुमारी एंट्री कर रहा है, अब जैसे मैं करूँगा लॉगिन तो ये सेव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने कैसे सेव, अब ये राजकुमार वेलकम टू राजकुमारी सेव हो चुका है। अब मैंने इसे क्या कर दिया, इसे क्लोज कर दिया। मैं फिर से इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन करने वाला हूँ, पेज को रन करने वाला हूँ। तो अब इस पर आप देखोगे अब राजकुमार, तो भाई तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, राजकुमार ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब ये ब्राउजर मैंने क्लोज किया था तो यही बंदा लॉगिन था और इसका यूजर नेम पासवर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं चेंज करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं बंदे का यूजर नेम लिखूँ और पासवर्ड मुझे ना लिखना पड़े, पासवर्ड ऑटोमेटिकली आ जाए। तो जैसे फोकस यहाँ पर है ऑटोमेटिकली उसका पासवर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो एक और बंदा मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ विनय, और इनका पासवर्ड मैं देता हूँ 1234। तो ये पासवर्ड था और ये मैंने किया रिमेंबर मी और यहाँ पे मैंने किया लॉगिन। तो कह रहा है वेलकम विनय। ठीक है, ये बंदा लॉगिन कर चुका है, उसका पासवर्ड भी सेव हो गया हमारे ब्राउजर में। उसके बाद मैं इसे करता हूँ क्लोज और फिर यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ। फिर से जब मैं चलूँगा तो यहाँ पर मैंने रिमेंबर मी लास्ट टाइम जो है कॉन्सेप्ट वो मैंने वो जो चेकबॉक्स है उसे मैंने चेक नहीं किया है। यहाँ पर सिर्फ मैंने रिमेंबर मी चेकबॉक्स जो था उसी को मैंने चेक किया, चेकबॉक्स वन को। सिर्फ यहाँ पर मैंने किया था सिर्फ चेकबॉक्स जो है रिमेंबर मी नेक्स्ट टाइम इसी को मैंने चेक किया था और उसके पासवर्ड तो उनका सेव हो चुका है। बट जो यहाँ पे कीप लास्ट आईडी एंड पासवर्ड है ये क्या था, राजकुमार का था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पे चलूँगा कोडर, जैसे कोडर डाल के फोकस आएगा टेक्स्ट बॉक्स की तरफ तो उसका पासवर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंटर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ विनय की। ठीक है, ये विनय, इनको सेलेक्ट किया और इनका पासवर्ड ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैं बात करता हूँ राजकुमार के लिए, भाई राजकुमार का जो पासवर्ड है ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पर मैं एक और क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ डीके, इनका पासवर्ड देता हूँ 1100 जिनका पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं करता हूँ रिमेंबर मी और कर देता हूँ कीप लास्ट आईडी एंड पासवर्ड। तो जैसे मैं करूँगा सेव पे क्लिक तो ये बंदा आपको फ्री इसका पासवर्ड सेव हो गया। अब फिर से मैं चलूँगा आपको मैं दिखाऊँगा इसका यूजर नेम पासवर्ड। तो इस बार जो बंदा आएगा वो आएगा बीके, क्योंकि ये लास्ट टाइम पे मैंने इसे चेक किया था तो कीप लास्ट आईडी एंड पासवर्ड वहाँ पे ये बंदा लॉगिन था उस टाइम पे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आपने ये लॉगिन पेज बना लिया है, क्रिएट कर लिया है, जहाँ पे आपको कुकीज में सारा का सारा यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं और साथ ही साथ आप उसे रिमेंबर कर सकते हैं। तो ये कुकी एक महीने के लिए वैलिड है, जैसा कि मैंने कोड में आपको दिखाया था कि एक महीने के लिए वैलिड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप इसको और वैलिडेशन बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे 50 कर दो, 21 मंथ के लिए ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आप कितना भी चाहो आप टाइम दे सकते हो, उसमें सेव कर सकते हो। तो सिंपल सा ये कोड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको कुछ और नई चीज़ें बताऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।